होश और जोश के अगले मुकाबले में किसके होश उड़ेंगे और किसका जोश जीतेगा, इसे दिखाने के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को कूदना होगा इस गड्ढे में। बोला था जोश और होश दोनों से लड़ना है, होश में ना लड़के मैंने अपना जोश दिखाया, इसकी वजह से मैं मैच हार गया। पसंद ही नहीं करते, वो तो हाथ तक नहीं लगाने देते मिट्टी को, और वहाँ पे इतनी मिट्टी थी और इतना बड़ा वो खड्डा खोद रखा था जिसमें हमने जाके लड़ाई करनी थी। आंखों में सारे बाल, देखो बॉडी कितनी गंदी हो गई है। बुलाना जी बारी है, क्या बुलाने हैं? रॉबिन सिंह ने बुलाने हैं। आ जाओ भाई, अमित के नाल आ जाओ भाई। फाइट हुई रॉबिन से और हम काफ़ी देर फाइट करते रहे, वो मुझे एक भी पॉइंट था नीचे नहीं लगा पाया, एक बार भी नीचे नहीं लगा पाया, पीठ नीचे लगानी थी, लेकिन मेरा लड़ते लड़ते खून निकला है, ब्लड निकला है नाक से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सर ने फाइट रोकी, जबकि मैं सर को बोल कहा कि सर नहीं, फाइट कंटिन्यू करो, मैं लड़ूंगा अभी। सेकंड राउंड तक स्पेशल पे पहुंच गया, और अगर वो लड़का सेकंड शॉट होता है जो मेरे को एक भी बार नीचे नहीं हरा सका तो मैं भी वहां पहुंच सकता था, ये मौका देना चाहिए था, अब मुझे इसका रिजल्ट शायद एलिमिनेशन में भुगतना पड़ेगा। मेरा मड टास्क पहला राउंड सी अमित के नाल बहुत ही टक्कर वाला रहा, ना उन्हें मेरा पेट थले लाई ना मैं थले लाई, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा हाथ कि नक्श वज गया,
तो वो नक्सी फुट गई, वो करके सू पिछे रोकना पे मैच, अदरवाइज पूरी टक्कर दे रहा मैं। मेरी भी एक करी ना पूरी जान लवा दी सह, घटो घट नहीं तो 5 मिनट चलिया होना, पर ना वो थले लगे ना मेरा लगे, जान एक बराबर सी धर्म ने। चलो सिंगल पॉइंट मैच गो। बस सही सीगा कि मैं टाइम लै रहा कि वो थके, तो उस तो बाद मैं अपना जो मेरा बचा हुआ मैं उन्होंने यूज़ करा, वो थकता से तो मैं अपना यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा टफ टास्क जिंदगी पहले भी मैं की मॉडिफाइड, मज़ा भी आया क्योंकि पहले भी की थी, तो यह भी सी कि हारा डर भी सर तार के एफर्ट वो करना पे बहुत जान लगी उत्थे तक अंदर अंधेरा छा जाता है कुछ दिखना ही बंद होता कुछ। अगला मैच मिस मैच है एक्चुअली, लेकिन क्या करें, हमारे को सुमित जैसे लड़कों को बताना पड़ता है कि यहाँ पे आने के लिए कुछ खास किस्म की बॉडी चाहिए या कुछ खास किस्म का जज्बा चाहिए। देखते हैं सुमित वो जज्बा दिखा पाते हैं कि नहीं। उनका मैचअप है सनी के साथ। चलो गाइस, चलो सनी रेडी गो।
जीरो। ओके गाइस, ग्रुप राउंड का लास्ट मैच जसप्रीत तक्कर और दीप के बीच में। राउंड टू थे अपने कुश्ती राउंड। हाँ, मैं एक छोटी जी लिस्ट बनाई है, देखने आ तुहानू सारिया नू पसंद आती है। पहला मैच मैं सदा देंगा शैंकी कटवाल वर्सेस सनी। अभी हमारे जितने भी मैच होंगे सडन डेथ होगी, जो पहले टा देगा वो जीत जाएगा। नो बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, गो ऑन थैंक यू एप्पी गेट पेरेंट्स फेयर नो टेक्निकल पॉइंट।
मैच ओवर। मेरा दूसरा मुकाबला हमने होया शेंगी काटवाल के नाल, तो मैं वो मुकाबला भी जीता हाँ, तो मैं प्रूव कर रहा हाँ कि मैं जो निडर के खड़ा हाँ तो मेरे में गट्स है, मैं कुछ कर सकता हाँ, दैट्स व्हाई मैं इतने खड़ा हाँ। आपने तरफ पूरी 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 ट्राई लाई, अपना 100% दिता, हार जीत लगी रहने पर, एक ने हारना एक ने जीतना है, गेम हैगी, कोई ना कोई जीतूगा कोई ना कोई जाऊगा। आई नेक्स्ट मैच जेडी पहलवान दे विचार पहला बुलाने आ हरजिंदर कौर ते भरपूर कौर। गो जेड़ा दूजा मुकाबला सी मेरा हरजिंदर कौर नाल जिहड़ी कि मेरी सब तो वड्डी दुश्मन आ, जो मैदान में उतरी थी मैं ये कहा कि जां मैं तरूंगी जां मैं मरूंगी, मैं जिती वो हूँ हरजिंदर देख हर टास्क तेन हराऊंगी, पिछे भी रैत हो अमन राठी वर्सेस साहिल। चलो भाई गो। मेरे दोनों फेवरेट हैं। मेरा अमन राठी ना जो कि इतों का बड़ा तगड़ा मंडिया पर मुंडा भलवान मंडिया जान दिया वा, पर मैं भी पूरी कोशिश की हटा मुकाबला 3-4 मिनट चलिया पूरा, दोवे ने जोड़ लाया पर अंत से मैं मुकाबला जित लिया। कहते हैं जो जट्टा के डोलिया जाना तो ब्राह्मणा के डोलिया जाना। भाई अब की बार थोड़ा मुकाबला बराबर का था, पर कीचड़ में जब मैंने दा लगाया तो मेरी गर्दन कीचड़ के अंदर घुस गई, कीचड़ इतना इतना था तो इतना मैं जमीन पर कुश्ती कर देता हूँ, वो गर्दन घुस गई कुछ दिखाई नहीं दिया, काम कर रहा था दाल लग गया उसका, पर ठीक है वो भी तगड़ा था बंदे ने दम था उसमें भी मेरे में भी, पर किचड़ के अंदर वो बात बनी नहीं तो बननी चाहिए थी। ओके गाइस गेम को आगे बढ़ाते हैं और आप बुलाते हैं सुप्रिया जी को और सरिता जी को। एंड मैं वो भी जीत गई, मैं कभी रैसलिंग नहीं देखी ना कि सीखी आ, जस्ट
जो मैं किचड़ गई और मेरे आले दुआले सारे किचड़ लग गए और सरिता ने बस मेरा हाथ ही फड़िया से, मैंने इदा लगा कि मैंने किसी मुंडे ने छेड़िया। मैं वो लत्त फड़ के उन्होंने घुमा के बिल्कुल नीचे मारिया एंड वाल मैं वो उपर आ गई सी। बस फिर मैंने पता से उपर नहीं आ सकती, मैं बिल्कुल वो बॉडी कवर करके उन्होंने गोल गोल घुमा के नीचे लगा दिता। सिर्फ निडरता नहीं चाहिए, होश भी चाहिए, जोश भी चाहिए एंड सिक्स सेंस पावर भी चाहिए, जिड़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तिल बहुत है इस करके उन्हें मेरी जफ्फी पाली एकदम मैं आकदम मेरा पैर थले तिल किया, जिस वजह ने उन्हें मेरी पिट थले ला दी। बहुत देर मुकाबला चलिया, 3-4 मिनट चलता रहा, बट दीप जित गया। मैं बहुत दुख है कि मैं हार गया, पर गेम च हार जीत तो लगी रही है। कल मैं जितया गया, अब वो जित गया, कल ये मैं जित गया। गेम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जगजीत को, जो लड़ेंगी अमनदीप से। गो चल जगजीत। अगला मुकाबला चाहे मेरा किसी के साथ भी हो, बस कर दूंगी मैं किसका को। इस बार मेरा मुकाबला जगजीत नाल से, बस वो जीती है तो बस समझो लक नाल जीती है। असल जो की सीगा उस टाइम जो मर्द पानी पै रहा है कि बिल्कुल तिलकन सी, तो जो साड़ा स्टार्ट होया मैं जिम्मे उन्हें लत पकड़न लगी, उन्हें अपना वेट मेरा उपर पा दिया तो मेरा पैर चल लग गया, तो जिंद करके मैं मेरी जो जी सी बैक तो नीचे लग गई, तो करके वो विनर हो गई, नहीं तो मैं तो उन्होंने जितन नहीं देना सीगा, बस लक ने उन्हें साथ दिता है। सॉरी। अभी एक बहुत ही जुझारू मैच होगा, दोनों बहुत ही इवनली मैच था, दोनों प्लेयर दोनों एक्टर बनना चाहते हैं, एक है बाबा और दूसरा है रवि पवार। आ जाओ भाई। इस बार का मुकाबला मेरे साथ बाबा खड़े कर गए थे, जिनके साथ मेरी फाइट थी। बाबा काफ़ी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, उनका पहला राउंड मैं देखा सी, उन्होंने काफ़ी फुर्ती नाल अपने से हैवी वेट आदमी को हरा दिया था। बाबा की एक बात है, हर मैच से पहले लोग यही बोलते हैं बाबा गया, बाबा गया, और बाबा खुद भी बोलता है हाँ मैं गया, लेकिन बाबा जीत जाता है। बाबा छुपा रुस्तम है, मैं पहचान गया बाबा को। ओके बॉयज, रेडी रेडी गो। अंदर गए तो कभी मेरे उपर सी, कभी मैं उन्होंने उपर सी, फाइटिंग पूरी जबरदस्त सी। वेरी गुड रवि, वेरी गुड।
जित हार दे विच किसे नूं कोई दो राय नहीं हो सकती। एक बार बंदा जीता दूसरी बार बंदा हारदा। अज उन्हां दी जित आ कल मेरी जित हो सकती है। वो जोश में एकदम आके एकदम ब्रेक ले लेता था और उसी प्लान का फायदा उठा के पूरे जोश से उसकी मैंने पीठ नीचे लगाई। तो बस बाबा के लिए इतना ही है कि थोड़ा दिमाग का भी यूज करा कर जोश में मत आया कर। उन्होंने सही किया, जोश के नाल होश भी होना जरूरी है। सो मैं अपना होश भी नाल लेके आऊँ। अगले मैच के लिए मैं जिसको बुला रहा हूँ वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक पहुँचेगा, आज यहाँ खड़ा भी होगा, लेकिन वो खड़ा हुआ है और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे मैचेस जीत रहा है। देखते हैं कि इस मैच में रिच रॉबिन का मुकाबला कैसे करते हैं। जब वो देख रहा अटैक कर सकते हो। रॉबिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, मैच जीत गए, रिच पीछे रहेगा। अब आगे बुलाते हैं इस मैच को बढ़ाने के लिए सिमरत वर्सेस मनप्रीत। ओके, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं मैं उन लोगों को एक चैलेंज देता हूँ। अब चार लड़कियाँ जो अभी हमारी विनर्स रही हैं, भरपूर कौर, जगदीप कौर, सुप्रिया, मनप्रीत कौर, हमारे पास में कुसुम बची हुई है जिसे पिछले राउंड में वॉकओवर मिला था। आप लोगों में से कोई कुसुम से लड़ना चाहेगा? भरपूर कौर आ जाओ। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भरपूर कौर को यहाँ ला के मैंने कोई गलती नहीं की। जो बिलिंग मैंने इसको दी थी प्री टूर्नामेंट फेवरेट की उस पे खरी उतर रही है। चलो गाइस गो। बेटे सब देख लूंगा, चिंता मत कर, तू अभी ठीक है। ओवर, आइए बाहर आइए। अच्छा भाई हूँ आने हैं मुंडिया के बिजनेस राउंड से। Yeah!
थैंक यू बर्फू, थैंक यू कुसुम, गुड बाई। चंगी तरह की चंगी तरह चौके लैनी अभी तीसरा राउंड मेरे हिसाब से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन लोगों ने मुझे दिया था वो था साहिल क्योंकि वो बॉडी वाइज बहुत सॉलिड है उसको पता है कैसे कुश्ती की जाती है कैसे नहीं की जाती उसमें जोश में आया और वह गलती जो कि मैं कभी नहीं छोड़ता मैंने वो पकड़ी मेरी गलती से हरा दिया तीसरी बार विनर रवि पवार भाई बहुत बढ़िया मैच रवि पवार ने बहुत अच्छा मैच खेला अब इसके बाद बुलाते हैं मर्दों में मेरी लिस्ट देख कहीं गलत ना बुला सही जानते हैं यूनिवर्सिटी थी गुड मैच ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बहुत अच्छा मैच खेला अभी तक पहली बार थोड़ा सा स्लिप अप मुझे लगता है तानू खन्ना जी इतनी आसानी ना नहीं मैंने जत्थू खेल बड़ा टफ कंपटीशन है बहुत ज्यादा हार्ड है मड रेसलिंग इतनी ज्यादा हार्ड है मुझे लगता है जब पूरा कंपटीशन होएगा ना मैं तो स्ट्रेचर से भाग के ले जाना पड़ेगा इतना ज्यादा दम निकला मैं एल बिल्कुल एल तुर तक नहीं है जी सू सी गल दस बहुत ज़्यादा बुरा हाल है तीसरा मुकाबला बड़ा टफ सेगा जोड़ा कैंडीडेट सेगा मेरे सामने बड़ा बहुत ज़्यादा सेगा भी हाँ दावे जाते थे बट फिर मैं अपने जोर का इस्तेमाल किया मैं लगता है भी नैक्सट भी मैं ही दिताँगा बाकी अगर रब रखा देखो की बनता हाँ जी अगले मैच वास्ते मैं कुड़िया सद्दा देंगा शुक्रिया शुक्रिया का मैच कि बिल्कुल ठीक क्या मनप्रीत कौर गो Guys.
अब मैं लड़कियों में जब बची है उनका मैच कराता हूँ। भरपूर कौर वर्सेस जगजीत कौर। जो कहती है कि मैं मोगे की सिंगनी हूँ, और वो पता क्या बोलती है कि चंडीगढ़ की लड़कियाँ फुकरी होती हैं, उनमें कुछ नहीं होता है। अमृतसर की भी ऐसी होती है, जलंधर की भी ऐसी होती हैं, बट उसको मैंने आज बता दिया कि मैं क्या हूँ। उसको जगजीत कौर ने हराया, ये मोगे की सिंगनी है ना, मैं भी जगजीत कौर जट्टी हूँ, डाउट मत रखना कोई। और उसको मैंने इतनी बुरी तरह हराया ना, उसकी सारी तहस नहस कर दिया, जो भी वो सोचती थी ना, बस खुलासा हो गया उसका कि वो क्या है क्या नहीं है। सिर्फ मुँह से बोलती है और कुछ नहीं, उसको गालियाँ दिलो ब्ला ब्ला ब्ला, बस पता नहीं कौन से गांव से उठ के आ जाती है ये पिंड से, और ऐसे यहाँ आके पता नहीं क्या समझती हम लोग की हम ही है बस जान, हम ही में है, बट ये उसकी गलत फहमी है। और आप सभी लड़कियों की भी निकाल देती हूँ कि चंडीगढ़ की लड़कियों का कम मत समझ। जगजीत ने बहुत बढ़िया मैच खेला और फाइनल चुनो मनप्रीत का मुकाबला करेंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें बुलाने आ रवि पवार वर्सेस सनी। फोर्थ मुकाबला से रवि पवार के नाल काफ़ी डील लॉ स्ट्रोंग है मुंडे का, दावेज भी आते हैं, तो काफ़ी वधिया लगा उहदे नाल, मैनू थोड़ा होया कॉम्पीटिशन का एहसास होया, तो मैं फोर्थ राउंड भी उहदे कोलों जित के मैं दोबारा इत्थे आ गया। सवेर तो लैके शाम पै गई है कॉन्टीन्यूसली विदाउट रेस्ट निडर वाले हमारी बहुत ज़्यादा फड़ी पई है, असी दस नहीं सकते साडा किन्ना बड़ा देखण टीवी ते जिन्ना सौखा लगता असल विच करन ते बहुत ज़्यादा सच्ची गल है, ये बच्चों का खेल है। चलो
भाई दोस्तों हूँ बारी आ रही है कुड़िया के फाइनल की। मुकाबला होएगा मनप्रीत कौर ते जगजीत कौर। आओ भाई कौर ने कमाल कर दिता तो जगजीत कौर ने ढा दिता। मनप्रीत कौर साड़ी कुड़िया की ओवरऑल विनर है। मैं कहना चाहती हूँ कि इस ए जो निडर चल रहा है ये मैं सारिया कुड़ियों पिछे छोड़ देवगी और जिन्हें भी मेरे ना पंगा लेना सोच के लवे क्योंकि मैं पंजाबी शेरनी हाँ तो मैं किसी को अगे नहीं जान देवगी। तो मैं सारे चैलेंज करती हाँ कि मेरे को बच के रहो इतने जिन्हें भी राउंड होंगे ना उन्होंने सब पिछे छड़ के जावे और किसी भी अगे नहीं निकल देवगी। भाई कुड़ियों के विचकार मुकाबला बहुत ही जोरदार रहा। ओवरऑल विनर रही मनप्रीत कौर। मेरी भी फेवरेट सी चोई हैगी सी हालांकि मेरी एक और फेवरेट भरपूर कौर पिछे रह गई लेकिन कोई गल नहीं। भरपूर कौर ने एक बड़ा ही जबरदस्त काम किया कुसुम नाल मैच लड़िया जो कि उन्होंने लीग नहीं होगा फिर भी उन्होंने जितया। इस करके भरपूर घबराने की कोई गल नहीं है कि तुम हले भी पूरे राडार ही चाहिए। ओके जी हूँ अगले मैच वास्ते बुलाने वाहेगुरु के सिख रॉबिन सिंह ते सनी नू। के बॉयज एक दूजे ना हाथ मिलाओ गले लगो गो। हार जीते तो लगी रही है पर कोई गल नहीं मैं सैड नहीं है फिर भी दूजे नंबर से आया एक कला सिंह वह भी एडे तगड़े भलवान के नाल मैं उस तो अद्धा भी नहीं है टौले जिन्हें भारत में पूरा वा कितों जित सकता पर कोई नहीं मैं अपना हौसला नहीं तोड़िया अगली उन्होंने फिर फीट करूँगा कोई चक्कर। यस आई एम द विनर ऑफ मड रैसलिंग। मैं मड रैसलिंग का विनर आ सारे जिन्हें भी कंटेस्टेंट इतने आए हुए हैं मैं सारे इन्नी गल दस दी है मैं उन्होंने लिए तगड़ी टक्कर हाँ मैं इन्ना लाइटली ना लियो ये जट न हरा इन्ना सौखा नहीं जे किसी की दम हैगा है ना वो भी नहीं हरा सकता ये जट ऐसा ही गजू है। दोवे वेलियो ऐसे के नाल ही खत्म होता साडा कुश्ती राउंड साडा चैलेंज। हूँ इस तो बाद मैं जब तुम्हें मिलागा मैं मिलागा एलिमिनेशन राउंड। Bye guys.